बड़ी खबर आपको बता दिए, बेंगलुरु फ्रिज मर्डर से जुड़ा ये पूरा मामला है। अब जानकारी निकलकर सामने आ रही कि जो अक्यूज था उसने आत्महत्या कर ली है। ओडिशा में ये अक्यूज मृत पाया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 29 साल की महिला बेंगलुरु में, आपको बता दें, उसके कई टुकड़े किए गए थे, फ्रिज में रखा गया था, 30 टुकड़े किए गए थे। अब बहरहाल जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो अक्यूज था उसने आत्महत्या कर ली है। ओडिशा में ये डेड पाया गया है, मृत पाया गया है। बेंगलुरु पुलिस जो है वो आज ओडिशा जाएगी। तो डीसीपी द्वारा क्या कुछ कहा गया आपको बता दें, डीसीपी ने साफ तौर पर इसमें कहा है कि जो अक्यूज था वो एक सेल्स पर्सन जो होते हैं उनकी तरह, वो सेल्स पर्सन था, उसी के ओहदे पर काम कर रहा था। और इसके साथ ही घटना से पहले आपको बता दें, ये जो 29 साल की महिला थी जिन्हें 30 टुकड़ों में काटा गया था, फ्रिज में डेड बॉडी इनकी काटने के बाद रखी गई थी, ये डीसीपी द्वारा ये भी कहा गया है कि अक्यूज और जो विक्टिम महिला थी उनके बीच घटना से पहले कई तरीके के विवाद आर्ग्यूमेंट्स भी हुए थे।